बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय पेरेंट्स यूट्यूब चैनल फूड एंड टूर विद दिस वीक। सो गाइस, आज का ब्लॉग का टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट जरा पापा से गाड़ी पाई निकलवा लूँ मैं, एक मिनट चलो आप मोड़ लो, काट लो। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि ये मेरी कज़न की गाड़ी है जो आप देख रहे हैं, XLi, ये मेरी कज़न की गाड़ी है। तो उन्होंने कहा था पापा को ये मेरी गाड़ी सेल करनी है, तो आप ये सेल करवा दें, क्योंकि पापा को ना गाड़ी के बारे में काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि पापा पहले अभी तो उर्दू साल में होते हैं जैसे कि, लेकिन पहले पापा ने गाड़ी में काफ़ी टाइम लगाया हुआ, यानी कि 10-20 साल पापा ने अच्छे तरीके से गाड़ी में काम किया हुआ है। पापा को पता है कैसे गाड़ी खुलनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, तब काफ़ी नॉलेज है पापा को, जिसकी वजह से उन्होंने पापा को कहा था कि ये आप ये सेल करें, आपको काफ़ी नॉलेज है, तो इस वजह से उन्होंने पापा को लेकर आए थे। लेकिन इसमें ना कुछ जैसे आप बम्पर शम्पर में आपको अभी दिखाता हूँ कि काफ़ी स्क्रैचेज वगैरह पड़ी हुई है, तो वो ठीक करने के लिए एक अच्छी प्राइस देने के लिए हमने सोचा कि हम इस पर थोड़ा बहुत काम करवा लें। तो इस टाइम हम लोग आए हुए हैं एक पेंटर के पास, टेंटर के पास वर्क शॉप पर, तो देखते हैं उनसे क्या बात बनती है, क्या क्या मांगते हैं, क्या उनको दिखाते हैं, गाड़ी चेक करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। वाली वर्कशॉप से तो हम हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मांग रही है, इतना तो इतना काम नहीं है जितना वो पैसे मांग लगे हुए हैं, तो इसलिए हम अभी दूसरी जगह पर आए हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला है, कंपाउंड पॉलिश वगैरह, तो देखते हैं यहाँ पे वो कितने क्या देखते हैं, क्या मांगते हैं। सो गाइस, वहाँ पे जो हमने मैंने दूसरी आपको दिखाई थी, तो वहाँ पे तो हो गया हुआ है, उन्होंने कहा था सुबह 10 बजे आप आ जाओ, रीजनेबल प्राइस मांगी और काम भी वो कह रहे थे हमारी गारंटी वाला है, तो इंशाल्लाह सुबह उनको 10 बजे गाड़ी दे जाएंगे। तो क्या बाबा, पेट्रोल कम है? पेट्रोल कम है यार, मैंने कहा पेट्रोल डलवा लो। चलो ठीक है, पेट्रोल डलवा दो। चलो जी, पेट्रोल डाल चुका है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। ला बाबा मैं देता हूँ, थैंक यू जी। पेट्रोल तो मिडिल वाली हुआ है, तो उसके अलावा मैं आपको बता रहा था उस वाली टेंडर की बात, वो मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की थी, उनमें ये है कि वो कंपाउंड पॉलिश करेंगे, अगले पीछे बम्पर है वो दोनों पेंट करेंगे, और उनकी एक साल की गारंटी भी है कि हम लोग पर अच्छा काम करते हैं, यानी कि ये वो है जो इनको हमने पहले करते हुए देखा, यानी कि इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह तैयार हुई थी वो हमने पहले देखा हुआ है, इस वजह से हमें इन पर इतमाद था। बाकी भी हमने 2-3 जगह से पता किया, लेकिन वो सबके पैसे बहुत ज़्यादा ये पड़े, रीजनेबल पैसे मांग रहे हैं, काम भी इनका बहुत अच्छा है, तो वो तो कह रहे थे अभी गाड़ी छोड़ दो, लेकिन हमने सोचा कि अगर अभी गाड़ी छोड़ जाएंगे तो वापस ऐसे कट जाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस वजह से हमने सोचा कि अभी इनको सुबह 10 बजे गाड़ी दे देंगे और फिर वो वापस घर आ जाएंगे। बकाया वो कह रहे थे कि एक आध दिन का काम है, इसे लंबा काम नहीं करेंगे, हमारे पास काफ़ी लड़के वगैरह होते हैं, काफ़ी वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो ये भी काम हो गया, पेट्रोल भी डल गया, तो फिर इसके आगे देखते हैं आगे बाबा कहाँ कहीं जाने हैं आगे, या सीधा घर चले अभी जाएंगे ना, फिर आप घर जाएंगे ठीक है, तो उसके बाद फिर सुबह गाड़ी देंगे, फिर वो भी साथ साथ। चलो ठीक है, सुबह गाड़ी देते हैं ना, फिर व्यूअर्स को दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक, चलिए व्यूअर्स सुबह मिलते हैं 10 बजे के बाद। हेलो जी, सुबह 10 बज चुके हैं और हम लोग दोबारा से वर्कशॉप आ गए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 10 बजे आना था, और 10 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं, तो वो कब तक वो काम शुरू करते हैं और कब तक वो आगे सब कुछ तैयार करके देते हैं, ये मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। ये अभी इस टाइम काम शुरू होने से पहले ये है, यानी कि मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखा रहा हूँ, कि अभी फ़िलहाल ये है काम शुरू होने से पहले, जब ये सारा काम वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि क्या फ़र्क आया गाड़ी में, क्या फ़र्क नहीं आया गाड़ी में। तो मुझे तो वैसे मुझे तो पता है काफ़ी फ़र्क आना है, कंपाउंड पॉलिश ऐसी चीज़ होती है जिससे बहुत ज़्यादा गाड़ी में चमक उठती है, और जो स्केचेस वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक छूटते हैं। तो अगर ये तो ये इस साइड सारे स्केचेस वगैरह लगे हुए, तो आपको दिखा रहा हूँ इस साइड पे ये रिमूव नहीं हो सकते, यानी कि इस पर हमने कलम फेरनी पड़ेगी, लेकिन जब कलम फेरते हैं तो इससे डबल शेड आ जाता है, जिससे गाड़ी का और बुरी नजर लग जाती है, और वो एक तरफ से पेंट के पेंट हुई हुई होती है कि ये पेंट हुई है गाड़ी, जिससे और गाड़ी की वैल्यू ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये
ये काम शुरू कर दिया, इन्होंने रेक सबसे पहले रेक माल मारे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप काम होगा, सबसे पहले रेक माल मारे हैं, फिर जैसे जैसे करते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। यहाँ से थोड़ा सा ना बम्पर लटका हुआ है तो ये भी सही साथ में लगाएंगे, और ये थोड़ा टूटा हुआ था तो वो ये भी ठीक करेंगे यहाँ से। बाकी अभी वो रेक माल भी फेर रहे हैं, रेग माल इन्होंने मार लिया हुआ है दोनों बम्परों पे, और अब ये लगाने लगे हैं पोटीन। पोटीन लगाने का ये फ़ायदा होगा कि बम्परों पे स्मूथनेस आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, कि जब हाथ लगाते हैं तो ऊपर नीचे जगह ना हो, बिल्कुल बराबर से जगह हो। तो पोटीन कैसा लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये बम्परों में कहाँ करके लगाएंगे। ये लगाएंगे यहाँ करके, यहाँ पे है नहीं ऊपर नीचे जगह जहाँ पर ख़राब हुआ है, ये इन्होंने लगाना भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। इससे बम्परों पर स्मूथनेस आएगी, एक तरह से बराबर बिल्कुल हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। अभी इन्होंने लगाना स्टार्ट किया, अभी ये आगे पीछे दोनों बम्पर पर लगाएंगे। ये बम्पर इन्होंने साफ बैठा दिया हुआ है, ये भी काम डन। ये देख ली, ये पुटीन इन्होंने लगा ली हुई है। मैंने जैसे आपको कहा था ये पूरे बम्पर पर लगाएंगे, जहाँ जहाँ इनको पता हमने लगाना है ये वहाँ हर जगह लगाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने पिछले वाले बम्पर में हर जगह लगा दिया हुआ है, ये साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्या कहते हैं ये मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ आगे वाले बम्पर में इन्होंने कहाँ करके लगाया है। ये इन्होंने आगे वाले बम्पर पर लगाया हुआ है, तो पुटीन का जहाँ पर काम है इनका वो इनका डन हो गया हुआ है, क्योंकि जहाँ 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 इन्होंने लगानी थी वहाँ इन्होंने लगा लिया हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट काम करते हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे कंपाउंड पॉलिश होना शुरू हो गई है, ये एंड पे पेंट करेंगे, पहले कंपाउंड पॉलिश कर रहे हैं। ये आप देखते हैं दरवाजे की, देखते हैं अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत काफ़ी शक्ल निकल आई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह अब शाइन कर रही है पूरी बॉडी, एक साइड की अब तक अब तो पूरी की भी नहीं है, कम्प्लीट की भी नहीं है। पर यही कंपाउंड पॉलिश करवाने का फ़ायदा होता है, आप जो नॉर्मल घर में पॉलिश फेरते हैं वो एक अलग पॉलिश होती है, उसमें भी शाइन आता है, मगर कंपाउंड पॉलिश से ये होता है कि एक तरह से नई गाड़ी दोबारा बन जाती है, सारी जितनी भी शाइनिंग होती है वो अगेन दोबारा आ जाती है। ये कंप्लीट करते हुए कभी एक घंटा या दो तीन घंटे लग सकते, अभी तो उसका पता नहीं है, अभी तो एक साइड भी कम्प्लीट नहीं हुई। बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा जैसे जैसे करते रहेंगे। इस तरह करके क्रीम से लगाते रहते हैं, जहाँ जो इन्होंने लगाना होता है उसके बाद उसके ऊपर पानी फाड़ते हैं, और उसके बाद साथ ही ये मशीन से करने लग जाते हैं। इस तरह करते हैं कंपाउंड पॉलिश, ये आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया पहले वो लगाया जो लोशन टाइप कुछ होता है, और उसके बाद पानी फेरा, उसके बाद यहाँ पर वो मारेंगे मशीन। इसी तरह से अंदर भी लगाएंगे थोड़ी छत पे, अभी छत आपको ऐसी नज़र आ रही है, अभी थोड़ी देर में जब मशीन मारेंगे देखिए किस तरह शाइन निकल आएगी। ये मेजर डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कंपाउंड पॉलिश से पहले और बाद में क्या फ़र्क होता है। ये आप देख सकते हैं उस तरफ ऐसा है कि पूरा एक तरह शीशा लगाया हुआ है कि बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है, अगर इस तरफ देखें इस तरफ भी काफ़ी वो मिट्टी सिटी पड़ी हुई है, तो यही मेजर फर्क होता है कंपाउंड पॉलिश लगाने का।
जी पूरी गाड़ी की कंपाउंड तो हो गई है, मगर अब ये इसमें ऐसा है कि इसको पहले धोएंगे अच्छे तरीके से पूरा, उसके बाद इसकी पॉलिश मारेंगे, फिर आप इसकी चमक देखिएगा किस तरह की चमक आएंगी। क्योंकि आप ये भी ये मिरर्स वगैरह में देख सकते हैं, उसके बाद ये जो आप पीछे देख सकते हैं, इसलिए पहले धोते हैं। ये कंपाउंड हुई है, ये पॉलिश नहीं हुई, पॉलिश के बाद होगी। लेकिन सारी चमक वगैरह आ गई है, सारी मिट्टी शिट उतार देंगे, सारे शीशे वगैरह साफ कर देंगे एंड देन ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये इन्होंने साफ करना यानी धोना शुरू कर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, साफ हो गई है और अब ये एक नॉर्मल पॉलिश मार रहे हैं, इससे और चमक उठ जाएगी। पहले पूरी गाड़ी में मार लेंगे, उसके बाद फिर आम कपड़े से उठा लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट अब ये रह जाएगा कि ये इसको पेंट करना है। तो ये दूसरे कपड़े से, सर्फ वाले कपड़े से ये आगे वाला बम्पर तोड़ रहे हैं। चले जी, इन्होंने सारी पॉलिश मार दी हुई है गाड़ी पे, सारी आगे पीछे मार दी है, बस अब उठानी है। और उन्होंने दोनों आगे पीछे बम्पर भी धो दिए सर्फ वाले पानी से, सर्फ वाले कपड़े से। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। देखते देखते रात हो गई है और अब ये लास्ट में जो है बम्पर से बम्पर पेंट करने थे, बस वही कर रहे हैं, उसके लिए अखबार लगा रहे हैं एंड देन वो पेंट करना शुरू करेंगे। शाम से हो गई है और आधे घंटे तक रात पड़ जाएगी। चले जी, अब ये पेंट करना स्टार्ट कर दिया मैंने बम्परों पे, और ये अखबार वगैरह इसलिए लगाते हैं ताकि बॉडी पे शावर ना जाए पेंट का, क्योंकि अगर इस तरह जाएगा तो इस तरह गाड़ी की वैल्यू डाउन होती है। लोग कहते हैं कि ये पेंट हुई हुई है, इस वजह से सारे अखबार वगैरह लगाते हैं सारे लोगों पे, ग्रिल पे, इंजन पे, ताकि इन्होंने जहाँ पे इन्होंने शावर करना है, पेंट करना है, सिर्फ वहाँ पर ही हो। तो ये आगे अगला बम्पर पहले कर रहे हैं, उसके बाद ये पीछे वाले बम्पर पर जाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं लाइट की रोशनी पर या फिर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पर, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इसकी रोशनी में बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि लोग ज़्यादातर जब पेंट वगैरह करना हो तो लोग सुबह के टाइम करते हैं ताकि इनको सही रोशनी में पता लगे कहाँ पे करने वाला रह गया है कहाँ पे नहीं, मगर इन्होंने टॉर्च की रोशनी में बड़ा अच्छा किया है, तो इस बात पर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। तो इसके बाद भी ये अगला वाला बम्पर तो ये गाड़े हैं, तो ये जब दूसरे बम्पर पर जाएंगे नेक्स्ट वाले बम्पर पर, तो फिर भी मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगा। बस ये कंप्लीट होने ही लगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उस साइड भी सारा हो गया और इस साइड भी कंप्लीट हो ही गया है। अभी आगे हुए हैं पिछले वाले बम्पर पे, जैसे मैंने वो कहा था वो कंप्लीट होने वाला है, तो ये पीछे वाला भी इसी तरह करेंगे जैसे इन्होंने आगे वाला किया है। पीछे भी सारा बाल वगैरह लगा लिए हुए हैं। ये पेंट सूखने में कम से कम भी एक दिन लगता है, लेकिन अभी जैसे रात का टाइम था तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी एक दिन लगना था, यानी कि एक पूरी रात लगनी थी, सुबह तक इसे सूख जाना था। वैसे तो पेंट सूखने में 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप ऐसा करिए कि अभी हम रात को जो कर रहे हैं इस वजह से इसको भी टाइम लगना है सूखने में, तो आप ना बॉडी के साथ टच होएगा ताकि इस पर कोई निशान वगैरह ना आए। तो बस ये पिछला बम्पर भी इनका डन होने वाला हुआ है, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया हुआ है। मैं इस टाइम यहाँ पे अकेला ही हूँ, 8:15 का टाइम हो रहा है, पापा किसी काम से गए हुए थे, पापा ने कहा था कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं भी तब तक अभी 2-3 काम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये बस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं पापा को बुला लूँगा ताकि मैं बाइक चला लूँ और पापा गाड़ी चला लें, फिर सीधा घर ही चले जाएंगे। इसके अलावा जो भी काम होगा वो फिर सुबह किया जाएगा। चले जी, बम्पर तकरीबन कंप्लीट हो ही गए हैं और मैं भी पापा को ऐसा करता हूँ फ़ोन कर देता हूँ कि आप आ जाएं, तो मैं तब तक पापा को फ़ोन करता हूँ, तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जैसे ही पापा आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पापा आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी खूबसूरती निकल आई है पेंट करने से बम्परों की। ये अभी गीले हैं तो
यासिर भाई ने कहा था कि आप ऐसा करिएगा मेरे पास दो दिन बाद आइएगा, क्योंकि मैंने पूरी गाड़ी पे पॉलिश तो मार दी हुई है लेकिन बम्परों पे पॉलिश रह गई है। तो आप ऐसा करिएगा कल जो इसके जितने भी आपने काम करवाने होंगे वो आप करवा दिएगा। कल हम ऐसा करेंगे इसके जो मैकेनिकल वर्क है वो इसका करवा लेंगे और जनरल सर्विस करवा लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आके दोबारा इसकी ना बम्परों पर पॉलिश करवा लेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, आप कल का जो काम है वो कल करेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अब सुबह। सुबह हो गई है और इस टाइम हम आए हुए हैं इसकी गाड़ी की जनरल सर्विस करवाने के लिए। इससे पहले हम गए थे मैं इसका मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करनी थी लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं आप यहाँ पे वीडियो शूट ना करें, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। शायद उनकी कोई प्राइवेसी होगी, उन्होंने कहा उनको डर सा था कि कोई मीडिया वगैरह ना हो, हमें कोई आगे मुश्किल ना पड़ जाए, मगर मैंने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम आपको वीडियो बनाने नहीं देंगे। तो मैं वहाँ तो वीडियो बना नहीं सका और जहाँ तक यहाँ की बात है यहाँ भी मुझे अलाउ नहीं किया गया कि आप यहाँ पे वीडियो बनाएं, यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि हमारी प्राइवेसी आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। मगर मैंने छुप छुप के अपने व्यूअर्स के लिए ये रिस्क लिया, मैंने छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह बनाए कि जनरल सर्विस किस तरह होती है, ये मैं सारे क्लिप्स बना रहा हूँ। ये मैंने शुरू में जो क्लिप बनाए थे ये उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप इसके बाद कोई क्लिप नहीं बनाइएगा, लेकिन मैंने उसके बाद भी छुप छुप के आप लोग को दिखाने के लिए छोटे छोटे मोटे क्लिप्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बस वॉश हो गई हुई है और इसके बाद बस वो बाइक ला ही रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है। यहाँ पे इंक्लूड होता है कि गाड़ी की बिल्कुल बाहर से वो सारी वॉश करनी होती है, इंजन सारा वॉश करना होता है, गाड़ी के नीचे सारी ऑयलिंग करनी होती है और सारा इंटीरियर अच्छे तरीके से धोना होता है, जिसमें इंक्लूड मैट्स होते हैं, डैशबोर्ड होता है, इसके सारे सीट्स वगैरह होती हैं, मैट्स वगैरह होते हैं, छत वगैरह होती है, ये सब कुछ इन्होंने उसके जनरल सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। ये इन्होंने करना स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर डैशबोर्ड धो रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह वीडियो बना रहे हैं, छुप छुप के मैं वीडियो बना रहा था ताकि मुझे कोई मना ना किया जाए। तो यहाँ पे अंदर सारा धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, किस तरह साफ़ करें ये भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, आप लोगों को पता लगे जनरल सर्विस किस तरह होती है गाड़ी की। चलिए जी, गाड़ी की सारी जनरल सर्विस हो गई है, मैंने आपको जितने क्लिप्स में दिखा सकता था मैंने आपको दिखाए हैं। अंदर से भी इंटीरियर पूरा साफ हो गया है और इन्होंने बाहर से जो एंड पे गाड़ी पूरी कपड़े साफ़ करनी थी वो भी इन्होंने तकरीबन कर ली हुई है। अब हम चलते हैं, अब तो नहीं चल पाते क्योंकि क्या कहती है यासिर भाई ने कहा था कल आएँ, तो फिर अब कल चलते हैं यासिर भाई के पास। चले जी, मैं यासिर भाई के पास आ गया हुआ हूँ, इस बात को गुजरे हुए भी दो दिन हो गए हैं, तो लास्ट में जो काम रह गया था पॉलिश का वो बस यासिर भाई एंड में मार रहे हैं पॉलिश बम्परों पे। ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है उनके लिए, तो आधे घंटे का काम है, तो ये सारा काम भी हो गया हुआ है। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट घर जाके आपको दिखाता हूँ गाड़ी की फाइनल शेप क्या निकली है। पहले मैंने आपको जो बिफोर दिखाया था और मैं अब आपको आफ्टर दिखाता हूँ पूरा एंड करके। चले घर चलते हैं। तो गाड़ी पूरी रेडी है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी शक्ल निकल आई है, कितनी खूबसूरत अब लग रही है। इतनी सी बात होती है, इस पर थोड़ा टाइम लगाए, थोड़ी मेहनत लगाएं तो गाड़ी की शक्ल निकल आती है। मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी और एंड में भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको गाड़ी पसंद आई और मेरी व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।